जैसे मान लीजिए आपके ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं जो जन्म जन्मांतरों तक यात्रा करते हैं। पता नहीं ये जो चित्त की ये जो संस्कार है वो किस जन्म में फलीभूत हो, लेकिन जब गुरु आता है तो गुरु क्या करता है, उन कर्मों को काटने के लिए एक पूरा का पूरा जो है एक चक्र बना देता है। तो जो चीजें सालों में आ रही थी, जो चीजें जन्मों में आती, वो चीजें तुरंत तुरंत आना शुरू हो जाती, और फिर क्या होता है, जीवन में झंझावात शुरू हो जाता है। तो झंझावात शुरू हो जाते हैं का मतलब ये है कि फिर जिसने भी शिष्य का वर्ण किया है, वो देखने में तो भौतिक रूप से तो ये लगेगा कि ये इसका तो नाश हो गया या इसके जीवन तो बर्बाद हो गया, लेकिन जब वो कर्म संस्कार जब कटते हैं तो जो तकलीफें उसको झेलनी पड़ती है, रोगों की तकलीफें उसको झेलनी पड़ती है, तमाम तरीके की तकलीफें जो है उसके जीवन में शुरू हो जाती है, क्योंकि जो जन्म जन्मांतरों के जो उसके संस्कार होते हैं वो उसके दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जो आध्यात्मिक जो गुरु होता है वो एक प्रकार से उसको ऐसे जलते हुए उसमें छोड़ देता है ताकि जो है उसके संस्कार जो है जल जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अध्यात्म की तरफ जाने का मतलब है सुख शांति का मिल जाना, या किसी गुरु को हम अगर अपना लेंगे तो वो जो है हमारे जीवन में आनंद और सुख दे देगा। ये लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक भ्रांत धारणा है। जब आदमी आध्यात्मिक साधनाएं करता है, उपासनाएं करता है, तो उससे कर्मों का क्षय होता है। कर्मों का क्षय का मतलब ये है कि जो भी आपके संस्कार हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जब किसी चीज को छेड़ा जाता है तो उसमें बड़ी तकलीफ होती है, बहुत बड़ा अगर संस्कार जब व्यक्ति का खींचा चला आता है तो हो सकता है कि तुमको कोई बीमारी घेर ले, और जब तक वो संस्कार रहता है तब तक वो बीमारी रहती है, वो चाहे दुनिया में किसी का भी इलाज करा लो तो भी कुछ भी उसका निदान नहीं मिलता। तो इस प्रकार की जो जो सर्जन है, एक प्रकार से गुरु क्या है, शल्य चिकित्सा करता है, चित्त की शल्य चिकित्सा, चित्त का सर्जन है गुरु। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जो चित्त में जो संस्कार पड़े हैं उनको निकालने का काम करता है। तो इसलिए ये जो गुरु शब्द है, ये गुरु शब्द बहुत बहुत बड़ा शब्द है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये गुरु जो शब्द है ये तो जितने भी आप ग्रंथ देखोगे तो सबसे पहले जो है गुरु को प्रणाम करते हुए ही लिखे गए हैं। अगर मान लो जैसे हमारे हठयोग के ग्रंथ हैं, स्वामी स्वात्माराम ने तो सबसे पहले जो है अपने गुरु को ही याद किया। उन्होंने कहा कि प्रणम श्री श्री गुरु नाथ स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय विद्योपदिश्यते। इसका अर्थ क्या है, मैं प्रणाम करता हूँ जो हमारे गुरु हैं, नाथ गुरु हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो गुरु है वो ज्ञान देने वाला है। जैसे अगर हम गुरु जो शब्द है उसकी अगर व्युत्पत्ति की तरफ जाएंगे तो उसका गुरु का मतलब क्या है, गुरु की जो परिभाषा है गुरु का क्या अर्थ है, अंधकार है, गुरु का क्या अर्थ है, प्रकाश है। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। तो अंधकार कहाँ है, हमको लगता है जो भौतिक सांसारिक मनुष्य हैं उनको भौतिक जीवन में ही आनंद की अनुभूति होती है। आपने अच्छा अच्छा खा लिया, अच्छा अच्छा पहन लिया, लोगों ने आपकी मालाएं पहना दी, लोगों ने आपकी तारीफ कर ली, और आपने जो चाहा, जो आपको पद मिला, जो आपने चाहा सम्मान मिला, ये आप अपनी इस तरह की जिंदगी को ही एक आनंदपूर्ण, एक सुखपूर्ण जिंदगी मानते हो।
तो अंधकार है, ये जो जगत है ये तो दुखों से परिपूर्ण है। जो हमारा दर्शन ये कहता है कि जितने भी भौतिक जगत के जो सुख हैं वो नश्वर हैं, वो नष्ट हो जाने वाले हैं, अंत में पीड़ा ही हाथ लगने वाली है। जैसे ही मनुष्य जब पद प्रतिष्ठा पाता है, सम्मान पाता है, लोगों से प्रशंसित होता है, उसका अर्थ है कि ये उसके पुण्य हैं, जो पुण्य जो है उसको इन चीजों को इस स्तर पर लेके चले जा रहे हैं। जिस दिन वो पुण्य शून्य हो जाते हैं, मनुष्य जब समृद्धि की तरफ होता है तो फिर वो क्या करता है, वो जाने अनजाने में भी पाप करता रहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जब उसकी हवा चल रही होती है या उसकी जो गति चल रही होती है, वो जो भी करे, अच्छा करे बुरा करे, उसको कोई उससे प्रभाव नहीं होता है, ये गलत भी कर रहा है तो कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति के अंदर पुण्यों की इतनी सामर्थ्य है कि उस समय जो है कोई भी उसका विरोध नहीं करता है, कोई भी उसके सम्मुख जा नहीं पाता है, क्योंकि उसके पुण्यों की आभा ऐसी होती है जैसे सूर्य चमक रहा होता है। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर कोई नहीं पूछता, फिर आपकी जो भी धन है संपत्ति है वो सब धरी रह जाती है, लेकिन फिर पूछने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन ये कब संभव होता है, जब आप पुण्यों का निशेष हो जाता है, पुण्य समाप्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देखो, ऐसे तमाम उदाहरण जो है आपको मिल जाएंगे, धर्म गुरुओं में मिल जाएंगे, आपके आसपास के लोगों में मिल जाएंगे, कि पहले तो बहुत एकदम स्विंग किए फिर बाद में उनका पता ही नहीं कहाँ है। तो इस तरह के जो घटनाएं हैं, इस तरह के लोग हैं, वो आपके समाज में फैले हुए हैं। इस तरह की कई सारी उदाहरण मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, जो इस बात का एक तरीके से सुटेबल एग्जाम्पल है। तो गुरु उसको कहते हैं जो एक प्रकार से मनुष्य की चेतना को परमात्मा चेतना में स्थापित कर दे, ये गुरु का काम। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी कहा है कि अगर तो कोई गुरु न मिले तो भगवान शिव है, आदिनाथ जिनको हम कहते हैं, जो योग विद्या के सृजक हैं, उनको भी गुरु माना जा सकता है। और महर्षि पतंजलि तो ये भी कहते हैं कि जो ईश्वर है वो गुरुओं का भी गुरु, तो उसको भी जो है, परमेश्वर को भी, ईश्वर को भी गुरु मान के हम क्या कर सकते हैं, यात्रा शुरुआत कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो गुरु है वो आम इंसान नहीं है, साधारण इंसान नहीं है, वो एक चेतना है जो हमको आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करती है, भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर नहीं करती। आपने कई सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे जो गुरुओं के उदाहरण हैं, जो भौतिक मनुष्य जब किसी सिद्ध और संत के पास जाते हैं तो वो किसी कामना के पास जाते हैं। कभी भी, जब भी आप सिद्धों से मिलोगे, संतों से मिलोगे, तो खाली हाथ कभी नहीं लौटोगे, क्योंकि सिद्धों और संतों से मिलने का अर्थ है कि वो कुछ ना कुछ जो है तुम्हारा कल्याण कर ही देते हैं, या किसी का भी कल्याण कर देते हैं। ऐसे कथानक जो है हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी पुस्तकों में भरे पड़े हुए हैं। तो मान लीजिए आपके जीवन में कोई भौतिक कष्ट कठिनाई है, आपको पता चला कि आप अनजाने में किसी से मिल गए और उन्होंने आपको जो है सलाह दे दी, उस तरह से आपने कर लिया और उससे जो है आपकी कष्ट कठिनाई थी वो समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो उस स्तर की चेतना सूक्ष्म में ये जानती है आपके चित्त में कि ये अवरोध जो है वो क्यों है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे एक ज्योतिष है, तो ज्योतिष क्या करता है, ज्योतिष को तृतीय आंख कहा है, ये तीसरी आंख मनुष्य के अंदर भी है। तीसरी आंख कहाँ पे है मनुष्य के अंदर, आज्ञा चक्र। ये गुरु का स्थान भी इसको कहा गया, ये गुरु का स्थान। गुरु का स्थान का मतलब क्या है, ये विवेक का स्थान, विवेक और बुद्धि के जागरण का स्थान है। और जहां क्षीर और नीर, क्षीर नीर विवेक वाला ज्ञान, जो अच्छा और बुरे में भेद कर दे, जो
इसीलिए आज्ञा चक्र को भी तीसरी आंख कही गई और ज्योतिष को भी तीसरी आंख कही गई है। जब तक व्यक्ति की ये तीसरी आंख ना खुले, जब तक व्यक्ति का आज्ञा चक्र ना खुले, तब तक उसको ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए। ऐसा कहा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि अगर, क्योंकि ज्योतिष जो है, अगर अच्छा कोई ज्योतिष ज्ञाता है तो वो जो है सही सही प्रडिक्शन कर सकता है। अब आज वही वाली बात है कि जो अपने सामने गुरु लगा लेते हैं या जो गुरु बन जाते हैं तो वो कितना अच्छा प्रडिक्शन करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है। जब एक होता है कि कोई विद्या को धारण करता है और एक बात होती है कि विद्या उसका वरण करती है। जो वैदिक विद्याएं होती हैं तो वैदिक विद्याएं हमेशा योग्य व्यक्ति का वरण करती है, लेकिन कभी कभी कैसे क्या होता है कि जो भस्मासुर जैसे लोग भी होते हैं तो वो तपस्या करके जो है वरदान प्राप्त कर लेते हैं और विद्याओं का दुरुपयोग भी करते हैं। तो इसी प्रकार से या तो विद्या उसको वरण करे या वो विद्या को अपना जीविका का साधन बना दे। अगर आप पौराणिक ग्रंथों में या पुराने जमाने के लोगों में जब आप देखोगे तो वो तपस्या से, तप और तितिक्षा से परिपूर्ण होते थे। उनके जीवन में जो विद्या जिनका वरण करती है, दो बातें हैं। एक तो जो आदमी आदमी विद्या को धारण कर रहा है और विद्या जिसको धारण कर रही है, ये दोनों में अंतर है। तो प्राचीन काल में जो विद्या तत्व से परिपूर्ण होते थे तो वो तप और तितिक्षा और त्याग की संस्कृति के साथ अपना जीवन जीते थे। मतलब अगर उनको जो भोजन चाहिए तो उनको कल की चिंता नहीं है, आज जो मिल गया गली मोहल्ले में चले गए और वहां से गुजर गए, किसी ने दे दिया तो ले लिया, किसी ने नहीं दिया तो भूखे सो गए। ये जो तप और त्याग और तितिक्षा है, इस तरह के उदाहरण वर्तमान में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है और कठिन भी। तो विद्या फिर किसका वरण करती है? विद्या उसी का वरण करती है जिस जो योग्य व्यक्ति होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि जो गुरु होता है और जो शिष्य होता है, शिष्य भी अगर योग्य है तभी उसका गुरु जो है वरण करता है, लेकिन जो साधारण आदमी होते हैं अगर उनके समीप चले जाते हैं तो वो भी, वो चाहे शिष्य बनाए या ना बनाए, जो गुरु चेतना होती है, अगर मान लीजिए आप उसके पास पहुंच भी गए और वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार भी ना करे, तब भी क्या होता है, वो तब भी आपकी सहायता करते हैं। कभी भी महापुरुषों से मिलना, किसी भी संत से मिलना कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि उनके शिष्य की जो वो धन्य हैं वे लोग जो जो अवतार के चरण छूते हैं, मतलब जो परमात्मा के समीप या उनकी चेतना के आसपास या उनके चरण छूने का भी अवसर मिल जाए। तो जो जो पवित्र आत्माएं होती हैं अगर उनका चरण छूना भी मिल जाए तो वो भी जो है हमारे लिए मतलब आशीर्वाद से कम नहीं है। जो करता है वो कुछ और नहीं देता है, या आपको सुख समृद्धिशाली नहीं बनाता है, बल्कि आपको इंटेलेक्ट देता है, बुद्धि ज्ञान विवेक से युक्त कर देता है ताकि आप अपनी समस्याओं से खुद जूझ सके। इसीलिए गुरु क्या करता है, गुरु कभी भी ये नहीं करता कि तुमको जो है वरदान में हम मोक्ष दे देंगे, नहीं, तुमको एक रास्ता दिखाता है और वो रास्ते पे चल के तुम जो है मोक्ष की तरफ जाते हो। वो तुमको दिलाता नहीं है, मार्गदर्शक है, सहायक है। ये मार्गदर्शक होना और सहायक होना ये काम गुरु का है। लेकिन अगर मान लो जैसे अगर तुम कल से हमसे कहने लगो कि भाई हमारा हमारा मार्गदर्शन करो, क्योंकि हम मार्गदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही खुद ही जो है उस आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण
लेकिन अगर हमारे मन में कोई खोट है, अगर हमारे मन में अगर भौतिक प्रसिद्धि और भौतिक चीजों की लालसा है, तो कह देंगे तुमसे कि हाँ भाई हम तुम्हारा जो है जीवन के पर पथ प्रदर्शक बनेंगे, बस तुम हमें जो है गुरु बना लो और हम तुमको ज्ञान देंगे। ये काम जो है गोरख धंधा शुरू हो सकता है। मनुष्य वर्तमान में यही करने में लगा हुआ कि वो गोरख धंधा जो है उसने गुरु के रूप में शुरू कर दिया है, खुद ही जो है दीक्षा देने लग गए और लोगों से पैसा लेने लगे। तो कहने का मतलब है कि गुरु कोई हल्की चीज नहीं है। दूसरा, एक पूर्व पुराण में एक बात आई है और उसमें गुरुओं के रूप में बहुत सारी चीजें कही है। उन्होंने कहा कि 10 गुरु होते हैं, तो जो दो जो लोग होते हैं, पूर्व पुराण का जो जो सूत्र है उसमें कहा है, उपाध्याय पिता माता ज्येष्ठो भ्राता महीपति मातुल स्वसुरस्येव माता महा पिता महो वर्ण ज्येष्ठा प्रतव्यश्च सर्वे ते गुरु स्तंभ। मतलब उपाध्याय, उपाध्याय देखो, अब यहाँ पे उपाध्याय जो शब्द आया है, देखो हमारे यहाँ पे क्या है, गुरु है, गुरु के बाद आचार्य है, आचार्य के बाद उपाध्याय है, इस तरह का क्लासिफिकेशन है। सारे गुरु नहीं है, जो आचार्य आचरण से जो शिक्षा देता है, जो आचार और व्यवहार की शिक्षा देता है वो आचार्य है, उपाध्याय वो जो शुल्क लेके विद्या का किसी, जो हम पुराने प्राचीन काल में क्या होता था कि वेद का अध्ययन कराया जाता था, स्मृति पुराणों उपनिषदों आदि का ही अध्ययन अध्यापन कराया जाता था, इसलिए उसको उपाध्याय बोलते थे। और कुल गुरु जो होता था वो पूरा एक जो हमारा जैसे ये गुरुकुल है, गुरुकुल की जो कल्पना है वो प्राचीन गुरुकुल के आधार पर ही आधारित है, तो वो कुल गुरु कहा जाता था जो जो उसको पूरा के पूरे व्यवस्था को संभालता था और वो एक प्रकार से आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण होता था। तो उसमें इतने सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसमें जो जो श्लोक आया है उसमें ये कहा गया है कि इनको भी हम गुरु कहते हैं, जैसे उपाध्याय हो गया, हमारे पिता और माता हो गए, बड़े भाई हो गए, राजा हो गया, मामा हो गए, ससुर हो गए, नाना हो गए, बाबा हो गए, वर्ण ज्येष्ठ हो गए। वर्ण ज्येष्ठ का मतलब ब्राह्मण, वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण वो जो ज्ञान दे, जो शिक्षा दे, जो तप और तितिक्षा से परिपूर्ण हो। इस प्रकार से ये 10 गुरु कहे गए। 10 गुरु का अर्थ ये है कि ये आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ये गुरु तो कहे गए हैं लेकिन ये आध्यात्मिक से आध्यात्मिक गुरु नहीं है। आपको ये फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी से ज्ञान लेते हैं तो वो भी हमारा गुरु, या हम किसी से कोई भी चीज या कोई भी सहायता या कोई भी चीज सीखते हैं, जैसे दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। तो जिससे हमें जहां से ज्ञान मिल रहा है, जहां से शिक्षा मिल रही है, जहां से बोध प्राप्त हो रहा है, वही हमारा गुरु। लेकिन गुरु वो होता है, यहाँ पे इतना बहुत थोड़ा सा सार नॉलेज की जरूरत है। एक गुरु वो होता है जो हमें जीवन जीने की शिक्षा दे रहा है, जिसको हम उपाध्याय शिक्षक के नाम से जानते हैं। और एक वो है जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को परिष्कार के लिए हमें सहायता कर रहा है, हमें मार्गदर्शन दे रहा है। एक जो हमें भौतिक संसार में, भौतिक जीवन जगत में सिखाने के लिए आचरण और व्यवहार की शिक्षा दे रहा है। तो जो जैसे हम सब जितने भी तुम्हारी क्लास ले रहे हैं वो भौतिक जीवन में जो भी काम आने वाली चीजें हैं वही सब हम बता रहे हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं बता रहे जिससे कि आपकी आत्मा में, आपकी चेतना में आध्यात्मिक प्रकाश पैदा हो सके और आप परमात्मा की तरफ आगे बढ़ जाए, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कर ले। उस तरह का ज्ञान हम नहीं दे रहे। तो इसलिए गुरु जो शब्द है तो वो एक प्रकार से अज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। इसीलिए अब हम आपको ये बताएं कि जैसे
गुरु चेतना होती है या जो व्यावहारिक रूप से गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, गुरु एक प्रकार से उत्तम गुणों से युक्त कहा जाता है। और उत्तम गुणों में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनकी चर्चा जो है हमारे शास्त्रों में की गई है। तो शास्त्रों में तो की गई है, साथ में जैसे हमने अभी आपको बताया कि जैसे गुरु है, फिर आचार्य है, फिर उपाध्याय है, ऐसे इस तरह की क्लासिफिकेशन जो मिलती है। तो आचार्य क्या होता है, आचार्य और उपाध्याय में थोड़ा सा अंतर है। जैसे गुरु है तो वो गुरु जो है वो श्रेष्ठ कहलाता है, सब में जो भी ज्ञान देने वाला है वो सर्वश्रेष्ठ गुरु शब्द से ही परिभाषित होता है। विद्या अध्ययन के अतिरिक्त, प्राचीन काल में विद्या अध्ययन के अतिरिक्त भी उत्तम गुणों से युक्त व्यक्ति को गुरु कहा जाता था। मतलब ये एक प्रकार से ऐसा जो है, कभी कभी क्या होता था जो कुल विशेष होती हैं, कुल कुल का मतलब है जैसे गुरु कुल है, तो उसका जो अधिपति होता था वो भी जो है गुरु, उसी को गुरु की संज्ञा दी जाती। और इसके बाद जो है मान लीजिए जैसे आचार्य है, तो आचार्य जो है वो शिष्य को क्या करते थे, धर्म का ज्ञान प्रदान करते थे। आचार्य से शिष्य जो है धर्म का ज्ञान प्राप्त करता था, और आचार्य क्या करते थे, शिष्य का उपनयन करके कल्प रहस्य वेदों का उपदेश करते थे। जैसे जो गौतम है, मनु है, वशिष्ठ है, ये इतने भी जो शास्त्रकार हुए हैं वो आचार्य पद से सुशोभित है। जो वेदों का अध्ययन करना, ये वेदों का अध्यापन कराना जो है आचार्य का एक प्रकार से आचार्य की ये विशेषता थी। प्राय सभी शास्त्रकारों ने आचार्य के जो भी कर्तव्य उनके होते थे उसके बारे में लिखा है कि उनका जो प्रथम काम है वो केवल वेदों का अध्यापन कराना है। दूसरा ये है कि ये एक प्रकार से ये जैसे आचार्य है तो गुरुओं से कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें एक तरीके से कभी कभी क्या होता है काउंटर कर दिया जाता है। काउंटर का मतलब ये है कि कभी आचार्य को गुरु से श्रेष्ठ कह दिया गया है, कभी जो है गुरु से श्रेष्ठ आचार्य कह दिया है, या आचार्य से श्रेष्ठ गुरु कह दिया है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण इसमें मिलते हैं। जैसे मनुस्मृति में मनु महाराज ने जो है वो आचार्य की प्रशंसा की है, क्योंकि वो वेदों में पारंगत होता है, ज्ञान ज्ञान की दृष्टि से वो जो है श्रेष्ठ होता है, और इसीलिए वो ब्रह्मा की मूर्ति भी कही गई। तो इस प्रकार से आचार्य की, एक प्रकार से आचार्य की प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारी बातें इसमें कही गई। जो दूसरा उपाध्याय है, आचार्य की अपेक्षा जो है उपाध्याय का स्थान थोड़ा सा डाउन था। जैसे सबसे पहले जो स्थान आता है वो गुरु का आता है, इसके बाद आचार्य का, इसके बाद उपाध्याय का। तो मनुस्मृति में दो दो तरीके के शिक्षकों का वर्णन किया गया है, दो दो प्रकार के शिक्षक, जिनमें एक जो है शुल्क लेने वाला होता है और एक शुल्क ना लेने वाला होता है। जो ऐसा नहीं है कि तुम शुल्क आज ही दे रहे हो, या प्राचीन गुरुकुलों में शुल्क की कोई परंपरा नहीं थी, ऐसा नहीं है। उस जमाने में भी जो जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तक्षशिला नालंदा है, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में, जो अभी इस समय पाकिस्तान में है, उसमें विश्वविद्यालय का जो कंसेप्ट था वो ये था कि वहां पे कोई भी किसी भी तरीके का ऐसी बिल्डिंग भवन नहीं थे, और वहां जो आचार्य थे वो एक बहुत बड़ी एरिया में वो रहते थे, और वहां जब कोई विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए जाता था तो वो बस केवल आचार्य के पास जाते थे, और आचार्य जो है उससे परीक्षा लेते थे, और परीक्षा लेने के बाद उसको अपने यहाँ अध्ययन करने के लिए रखते थे। तक्षशिला की ये विधि व्यवस्था थी।
लेकिन बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी थी, जैसे विक्रम शिला है, नालंदा है, उनमें उनमें द्वार होते थे। तो जो छ छ छ छ छ जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर 6 महाविद्यालय होते थे। मान लो 6 स्कूल हो गए या 6 डिपार्टमेंट हो गए, तो उसके सामने एक पंडित होता था जो उसकी परीक्षा लेता था। जो परीक्षा में पास हो जाते थे वही विद्यार्थी उसके अंदर प्रवेश करते थे, बाकी कोई भी प्रवेश नहीं करता था। तो शुल्क उस समय भी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उस समय जो उनको शिक्षकों को जो मानदेय मिलता था, तो वो मानदेय इतना था कि जो है 4 से 5 लोगों को भी वो जो है उनका भरण पोषण हो सकता था उस जमाने। इतना मतलब जैसे एक परिवार है तो एक परिवार का भरण पोषण करने के लायक समय सरकार तनख्वाह दे रही है मान लो। लेकिन उस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो टीचर था या जो प्रोफेसर था या जो भी कह लो आप आचार्य उपाध्याय, उसको 4 गुना उसको शुल्क उसका दिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि ये जो शुल्क है ये आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो मनुस्मृति में दोनों प्रकार के शिक्षकों का वर्णन मिलता है, तो जो शुल्क शुल्क लेने वाला और जो शुल्क न लेने वाला। हो सकता है कि शुल्क नहीं लेता होगा, वो उसकी अपनी शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। तो जो जो शिक्षक वेद के किसी भी अंग और या वेदांगों का अध्ययन करता है, कराता है, तो वो उसका शुल्क लेता है, और शुल्क जो लेता है वो उपाध्याय। इसका मतलब यह है कि वो किसी विशेष विद्या में निष्णांत होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी विद्या में, अब वेद की इतनी सारी विद्याएं हैं, वो भौतिक जीवन को समृद्ध करने वाली विद्याएं भी है। जैसे कोई भी विद्या हुई, कोई भी उस समय उस जमाने में भी इंजीनियरिंग थी, ऐसी नहीं है कि, लेकिन उस समय अलग तरीके की शिक्षा व्यवस्था थी। तो जो उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी, तो उसमें जो विशेष, जैसे मान लीजिए हमारा जो डिपार्टमेंट है वो योग के लिए विशेष, जैसे मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान के लिए विशेष विभाग है। तो इसी प्रकार से जो विशेष चीजों का जो अध्ययन कराता था, विशेष विषयों का जो अध्ययन अध्यापन कराता था, वो फिर उपाध्याय कहलाता था। प्राचीन काल में एक और गुरु का वर्णन मिलता है जो अति गुरु कहा गया है उसे। अति गुरु का मतलब है कि प्राचीन काल में जो है शास्त्रकारों ने अति गुरु की भी संज्ञा दी गई है। अति गुरु का मतलब यह है कि प्रथम गुरु जो है माता को प्रथम गुरु कहा है, पिता को द्वितीय गुरु कहा है, और जो आचार्य है वो अंतिम गुरु। और विष्णु स्मृति जो है उसमें कहा गया है कि अति गुरु 3 है, माता पिता और आचार्य। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पे जो गुरुओं का जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके का है। लेकिन अगर हम अपने उसमें जाएं तो योग विद्या है, अगर योग के हिसाब से देखा जाए तो फिर गुरु जो है वो 3 गुरु जो है कई प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम प्राय देखें तो जैसे योगी गुरु है, ज्ञानी गुरु है, और तांत्रिक भी है, और ब्रह्मनिष्ठ भी है, इस तरीके की ऐसी क्लासिफिकेशन मिलती है। जो योगी गुरु होता है, जो तुम्हारा जो हमारा अपना जो स्ट्रीम है वो योग, जो योगी गुरु होता है वो एक प्रकार से ऐसा गुरु होता है जो उच्च स्तरीय योग की उच्च स्तरीय साधनाओं, सिद्धियों और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होता है। और वो जो शिक्षक या जो वो योग जो गुरु है, वो जरूरी नहीं है कि वो विद्वान हो, प्रखर हो, वक्ता हो, दार्शनिक हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन योगी गुरु वैसा हो सकता है कि जो अपने शरीर और मन को जीत ले। शरीर और मन से मन को क्या कर लेता है, वो जीत लेता है अपनी दिनचर्या, अपने व्यवहार से, अपने नियमों से, नियमों का जो पालन करते हुए वो अनुशासित जीवन जीते हुए क्या कर सकता है,
वो अपने शरीर और मन पे संतुलन स्थापित कर सकता है। तो जो योगी गुरु है, जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान से परिपूर्ण हो, वो बहुत बड़ा प्रखर वक्ता हो या बहुत तरीके का ऐसा कुछ हो, लेकिन वो जो है योग की जो उसकी जो सिद्धियां हैं, योग की जो आध्यात्मिक एक प्रकार से उसकी जो यात्रा है, वो उसमें 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 जो है वो परिपूर्ण होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जो योग 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 का जो एक्सपर्ट है वो और भी चीजों का एक्सपर्ट हो सके। तो कहने का मतलब है जो योग विद्या में निष्णांत है, जो योग विद्या की गहराइयों को जो जानता है, और योग की ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। जैसे हम लोग आपको घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका पढ़ाते हैं, तो घेरंड संहिता हठ प्रदीपिका में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो जिनको आज प्रैक्टिकली संभव नहीं है करना। प्रैक्टिकली संभव नहीं है करने का मतलब ये है कि उसका जो एप्लीकेशन है या उसकी जो मेथड है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो योगी गुरु होते हैं उनको वो मालूम होती है कि किस तरह से क्या करना है। जैसे मान लीजिए वातसार धोती है, वातसार धोती कोई नहीं कर सकता इस समय, ना उसकी कोई एग्जैक्ट विधि है। ऐसी कई कई प्रकार की धोतियां हैं जो जिनका वर्णन किया गया है घेरंड संहिता में, जिनको आप कहोगे कि प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है उनको करना। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि उनको करना असंभव है, उनको करना संभव है, लेकिन वो किसी योगी गुरु के ही मार्गदर्शन में किया जा सकता है। अगर तुम कहोगे कि हम कराते हैं, तो हम जो है आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण नहीं, और इस बात को तुम लोगों को भी समझ लेना चाहिए जितने भी विद्यार्थी ये चीज सुन रहे हैं कि वो भी आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण नहीं है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण नहीं है तो फिर वो फिर कैसे अपने सामने जो है गुरु शब्द का प्रयोग कर लेगा, फिर वो अपने सामने कैसे गुरु। जैसे एक ऋषिकेश में एक स्वामी जी हुए हैं विज्ञानानंद जी, जिनकी किताबें जैसे योग विज्ञान है और भी बहुत सारी किताबें उनकी बड़ी अच्छी फेमस किताब है, और वो अच्छे 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 योगाभ्यासी योग गुरु थे, लेकिन वो सफेद वस्त्र पहनते थे। तो लोग उनसे पूछते थे कि भाई तुम सफेद वस्त्र क्यों पहनते हो, तुम तो संन्यास का जीवन जी रहे हो, योगी का जीवन जी रहे हो, तो ये आप जो है गेरुए वस्त्र पहना करो। तो वो उनका ये जवाब था कि मुझे कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, जब मेरा मन गेरुआ हो जाएगा, जब मेरा मन संन्यास से परिपूर्ण हो जाएगा, तब मैं ये वस्त्र धारण कर लूंगा, अभी मैं इस वस्त्र के लायक नहीं। तो ये इतनी नैतिकता जो है उस समय के लोगों में थी, ये नैतिकता हम लोगों में भी होना चाहिए, कि हम लोगों में इतनी नैतिकता होना चाहिए कि जो हम हैं वो हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वही हमारा सामने रहना चाहिए। अगर तुम कल से दीक्षा देने लग जाओ, कल से अपने आप को योग गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कर लो और गेरुआ वस्त्र धारण करके लोगों को जो है ठगने लगो, तो ये नहीं करना। तुम अपने सामने जो है जब भी इन चीजों का इस तरह से गलत ढंग से प्रचार प्रसार नहीं करना है। जो भी तुम हो, ओरिजिनल जो हो, हम क्या कर सकते हैं, हम सिखा सकते हैं, योग को सिखा सकते हैं, योग की जो व्यावहारिक जीवन में क्या उपयोगिता है उसको बता सकते हैं, लोगों को जो बहुत सारे जो दैहिक रोग हैं उनके लिए जो भी योगिक पैकेज हैं उनको सिखा सकते हैं। लेकिन इस तरह से योग गुरु बन के और लोगों को जो है दीक्षा दे के इस तरह से ठगना नहीं चाहिए। एक योग के एक्सपर्ट के रूप में, एक अच्छे आचार्य के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जो है आप उनको उनको जो है टीच कर सकते हो। कहने का मतलब है कि लोगों को जो है भ्रम में ना रखें। अब आप कहोगे कि नहीं सर, आज के जो भौतिक जमाना है इसमें हम अगर झूठ नहीं बोलेंगे या नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कमाएंगे कैसे, करेंगे कैसे, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजी अगर बनाई जाए, स्ट्रेटेजी के तौर पे अगर काम किया जाए तो अच्छे लोगों को भी अच्छी बातों से प्रमोट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि छल और फरेब से ही प्रमोट हुआ जा सकता है। अगर तुम्हारी टीचिंग अच्छी है,
तुम्हारा समझाने का तरीका अच्छा है, भाषा शैली अच्छी है, तो वैसे ही प्रमोट हो जाओगे। आपकी अगर नॉलेज अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, समझ अच्छी है, तो फिर वैसे ही प्रमोट हो जाओगे, लोग वैसे ही प्रमोट कर देंगे। लेकिन अगर छल और कपट से प्रमोट करने से क्या लाभ, तो उससे कोई लाभ है नहीं। मुझे लगता है कि अभी हमने थोड़ा सा ये चर्चा की है, कल भी हम इस पे और चर्चा करेंगे। तो अगर आज आपके पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।